इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं खुद खेती करता था। खेती करते थे आप? हाँ, इसने हमारे जिम में बहुत मेहनत करी, 2 साल जॉब करी है। जितने भी कंपटीशन खेले सारों में गोल्ड मेडल है, सिल्वर भी आज तक नहीं आया मेरा, कभी सिल्वर भी नहीं आया। इसने शुरुआत करी थी एज अ पर्सनल ट्रेनर, उसके बाद ये जिम के फ्लोर मैनेजर बने और पूरी ब्रांच मैनेज इन्होंने करी वहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं ये सिंगल हॉल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉल के बिल्कुल सेंटर में कितना प्यारा गोल प्रो अल्टीमेट जिम्स का लोगो है। तो हार्दिक कैसा चल रहा है जिम? बहुत बढ़िया सर, जितना सोचा नहीं था उससे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। एलईडी टीवी लगा हुआ है जहाँ पे हमारे लेटेस्ट ऑफर्स वगैरह डिस्प्ले होते रहते हैं। जैसे कहते हैं ना रेड कार्पेटिंग, एक वार्म वेलकम, एक वीआईपी फीलिंग आती है जिम में एंटर करते ही। एलिप्टिकल हैं, ट्रेडमिल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये हमारा अब यहाँ पे सारा स्ट्रेंथ सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस। और आज मैं आ गया हूँ हरियाणा की एक बहुत प्रोमिनेंट सिटी में, अंबाला में। और ये शहर बहुत पुराना कैंटोनमेंट और डिफेंस एरिया के लिए फेमस है। यहाँ पे इंडिया का 1843 में सबसे पहले आर्मी कैंटोनमेंट एरिया बना था और जो आपने लेटेस्ट फाइटर जेट्स राफेल सुने हैं वो भी अंबाला में ही है। और अंबाला में आई है हमारी नई ब्रांच प्रो अल्टीमेट जिम्स की, जैसा कि आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर के ऊपर आई है। और ये सबसे प्रोमिनेंट लोकेशन है अंबाला की, मॉडल टाउन के पास ये ब्रांच खुली है। और इसका साइज है 5000 स्क्वायर फीट, सिंगल फ्लोर में ये ब्रांच है। और खास बात क्या है, इस ब्रांच में एक सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी भी छुपी हुई है। इस ब्रांच के जो ओनर है वो पहले हमारे जिम में ट्रेनर थे, उन्होंने 1 साल काम सीखा और उसके बाद अंबाला का नंबर 1 जिम बनाया। तो आइए चलते हैं, मैं अंदर आपको ये जिम दिखाता हूँ कैसा दिखता है और सक्सेस स्टोरी की कैसी है। उस ट्रेनर से भी आपको मिलवाऊंगा जो जिम के ओनर है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं जिम कैसा दिखता है। तो गाइस, एज आई एंटर प्रो अल्टीमेट जिम अंबाला, तो सबसे पहले आप आएंगे रिसेप्शन पर। और रिसेप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा डिसेंट साइज है। एंटर करते हैं यहाँ पे काउच प्लेस मिलेगा, कारपेट फ्लोरिंग आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल रिसेप्शन। और ये हमारी सबसे आइकॉनिक टेबल जो कि आपको हमारी हर एक ब्रांच में देखने के लिए मिलती है। सामने बहुत ही अच्छा प्रो अल्टीमेट की ब्रांडिंग का लोगो है, पीछे ब्लैकलिट होता है ये लोगो। और बैक साइड पे आप देख सकते हैं एलईडी टीवी लगा हुआ है जहाँ पे हमारे लेटेस्ट ऑफर्स वगैरह डिस्प्ले होते रहते हैं। और यहाँ पे हमारा नोटिस बोर्ड भी होता है जिसमें जिम के रूल्स रेगुलेशंस, या इस जिम में कैफे भी है उसमें भी सारे प्राइसिंग मेनू सब कुछ एवरीथिंग इज मेंशन। एंड ऑन माय राइट साइड यू कैन सी यहाँ पे ऑफिस है जो ओनर्स के बैठने के लिए है और उनके अचीवमेंट्स ट्रॉफीज आप देख सकते हैं वो भी प्लेस्ड हैं। और ऑफिस के एडजेसेंट यहाँ पे काउंसलिंग रूम है जो कि ट्रेनर्स के बहुत काम आता है, क्लाइंट्स की काउंसलिंग करने के लिए, पर्सनल ट्रेनिंग की काउंसलिंग करने के लिए, या किसी क्लाइंट को जिम से रिलेटेड कुछ लंबी बातचीत करनी है जो कि रिसेप्शन पे खड़े होकर नहीं हो सकती। तो रिसेप्शन के पास काउंसलिंग ऑफिस होना बहुत जरूरी है ताकि आप आराम से क्लाइंट को बिठा के उसके फिटनेस के चैलेंज समझ पाए और डील कर पाए। तो अब जिम एंटर करते हैं और मैं अंदर दिखाता हूं ये जिम कैसा दिखता है। सो एज आई एंटर द कार्डियो एंड स्ट्रेंथ सेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल रेड पैसेज आपको मिलेगा। जैसे कहते हैं ना रेड कार्पेटिंग, एक वार्म वेलकम, एक वीआईपी फीलिंग आती है जिम में एंटर करते ही। और मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं हमारी सबसे प्रीमियम सीरीज जिसे हम कहते हैं सिग्नेचर सीरीज यहाँ पे लगी हुई है, जो कि हमारी एयरपोर्ट रोड वाली ब्रांच में भी लगी थी, यहाँ पे भी लगी है क्योंकि ये बहुत हार्डकोर है, इसकी लुक्स बहुत अच्छी है, प्रीमियम लुक है और मूवमेंट बहुत अच्छी है इसकी। और इधर स्टेशंस लगे हुए हैं प्रोन लेग कर, लेग एक्सटेंशन, इनर आउटर थाई, पैक फ्लाई मशीन यहाँ पे है, मल्टी प्रेस मशीन है। और बट लैट पुल डाउन यहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग की लगी हुई है रॉयल सीरीज की, क्योंकि आपको पता है इसका कोई कंपैरिजन है नहीं, बहुत सारी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। उसके बाद डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म है, उसके बाद आती है हमारी मॉन्स्टर स्मिथ मशीन विद पावर रैक। तो अब देखते हैं कार्डियो सेक्शन में यहाँ पे क्या क्या है। एलिप्टिकल है, ट्रेडमिल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ इस ट्रेडमिल एलिप्टिकल में खास चीज क्या है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम ब्रांचेस में यही लगा हुआ है। चेयर मास्टर है, बहुत इफेक्टिव है कार्डियो वर्कआउट के लिए, ये भी आपको अपने जिम में लगाना चाहिए। और ये हमारी लेटेस्ट स्पिन बाइक है, इनकी भी बहुत अच्छी मूवमेंट है, ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। एंड ये हमारा अब यहाँ पे सारा स्ट्रेंथ सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। और थोड़ा मैं आपको स्ट्रेंथ सेक्शन के बारे में बताता हूँ। आप डंबल रैक के पास देखेंगे कि बड़ी थिकनेस 25 mm की फ्लोरिंग है और यहाँ पे हमारे 3 डंबल रैक लगे हुए हैं, दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस। एडजस्टेबल बेंचेस हैं फ्रंट में, एक स्पेशल मशीन यहाँ पे लगी हुई है दैट इज डुअल साइड लेटरल, इसमें आप स्टैंडिंग साइड लेटरल भी कर सकते हैं, बेंड साइड लेटरल भी कर सकते हैं, बड़ी अच्छी और इफेक्टिव मशीन है। नाउ मूविंग फर्दर इनटू द स्ट्रेंथ सेक्शन, और अगर हम और ज्यादा स्ट्रेंथ सेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सबसे प्रीमियम सीरीज रॉक प्राइम सीरीज की मिड्रो है, क्योंकि इसका पाइप साइज देखो कितना थिक है यार, कितनी हैवी मशीन यहाँ पे लगी हुई है। वाइड चेस्ट प्रेस यहाँ पर लगी हुई है। देन यू हैव प्रीचर कर्ल हैमर में, और यहाँ पे फंक्शनल ट्रेनर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, केबल क्रॉसओवर मिल जाएगी। और एक और स्पेशल मशीन यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, दैट इज बेल्ट स्क्वाट, ये बहुत अच्छी मशीन है, मैं आपको काफी सारी वीडियोज में दिखा चुका हूँ। और ये आपके
इनर थाइस को टारगेट करती है। तो यहाँ के जो ओनर है ना वो बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक है और उन्होंने कोशिश करी है मैक्सिमम यूनिक मशीन्स इंट्रोड्यूस करने की। बेसिक मशीनरी सारी है, उसके साथ यूनिक मशीन्स भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है। वहाँ पे अपर लिम्स है जिसको हम सपोर्टेड चिनअप्स भी बोलते हैं। इधर मिल जाएगा आपको इंक्लाइन टी बार, ये सुपर स्क्वाट है, और इधर हमारी सबसे स्पेशल लेग प्रेस, और साथ में इधर है फिक्स बारबेल के लिए रैक। और ये भी जिम में होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप देखते हैं इससे क्लाइंट को बहुत ज्यादा कन्वीनियंस रहती है, क्योंकि बाइसेप्स करने के लिए या ट्राइसेप्स करने के लिए बार बार वेट्स उतारना चढ़ाना नहीं पड़ता। इसमें फिक्स बारबेल में आपको 10 केजी से लेके अप टू 40 केजी तक के फिक्स बारबेल और प्रॉपर प्रोपोर्शन में वेट्स मिल जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स इंटीरियर्स, क्योंकि इंटीरियर्स यहाँ के बहुत ज्यादा खास हैं, बहुत फैसिनेट करते हैं, और इस जिम की पिक्स और वीडियोस और रील्स जितनी भी बनती है ना बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसके इंटीरियर की वजह से। तो आप ये देख सकते हैं ये सिंगल हॉल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉल के बिल्कुल सेंटर में कितना प्यारा गोल प्रो अल्टीमेट जिम्स का लोगो है, और साइड में आप देख सकते हैं एक सर्कुलर मोशन में प्रोफाइल लाइटिंग इंट्रोड्यूस करी हुई है। साथ में जो सेंस सेक्शन है उसकी ब्रांडिंग आपको वहां देखने के लिए मिल जाएगी, ये भी एक्रेलिक लेटर्स में मॉड्यूल लाइटिंग के साथ इंट्रोड्यूस करी हुई है। मेरी बैक साइड पे जो कार्डियो सेक्शन है कार्डियो की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ऑन माय राइट साइड वहां पे आप देख सकते हैं फ्रंट में स्टूडियो की ब्रांडिंग दिख जाएगी, जो कि मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा अभी एरोबिक स्टूडियो कैसा दिखता है। तो ऑल इन ऑल बहुत प्यारे और बहुत डिसेंट इस जिम के इंटीरियर्स है, और लाइटिंग भी मैक्सिमम 4K यानी कि वार्म व्हाइट कलर की है। थोड़ा बहुत यहाँ पे मिक्सचर जो है आइस ब्लू कलर का है, वो भी सिर्फ फ्रंट में आप देख सकते हैं। कार्डियो सेक्शन के ऊपर टोटल एरो थीम बनाई हुई है लाइटिंग की, जो कि बताती है कार्डियो सेक्शन इधर से आप स्टूडियो में एंटर कर सकते हैं। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट इंटीरियर। अब थोड़ा सा यहाँ का लॉकर एरिया एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं और लॉकर एरिया कैसा इसको मैनेज करा हुआ है। तो स्ट्रेंथ सेक्शन के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे डेडिकेटेड एरिया बनाया हुआ है, सेग्रीगेट करा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्म रेसलिंग टेबल पड़ी हुई है, ये बहुत अच्छी है। इसमें आप इन हाउस कॉम्पिटिशन जिम के करा सकते हैं, बहुत अच्छी ये रहती है। इन हाउस कॉम्पिटिशन में क्लाइंट्स को बहुत मजा आता है आर्म रेसलिंग करके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल यहाँ पे टाइलिंग करी हुई है मैट फिनिश में। इधर वॉशरूम है फीमेल एंड मेल्स, और इधर लॉकर एरिया है, यहाँ पे आप आराम से बहुत स्पेस दी हुई है चेंज करने के लिए। यहाँ पे ड्रिंकिंग एरिया है, और इधर पैंट्री रखी हुई है ट्रेनर्स के फूड वगैरह मील्स लेने के लिए, यहाँ पे वो चाय वगैरह या एग्स बॉइल वगैरह कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस जिम के वॉशरूम्स कैसे दिखते हैं। तो एज आई एंटर द वॉशरूम यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड पे रैक्स बने हुए हैं। रैक्स पे आप यहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह अपने जैकेट्स, सर्दियों में जैकेट्स हैंग करने की बहुत प्रॉब्लम आती है जिम में, तो जैकेट्स इजीली हैंग हो जाएंगी। नीचे शू रैक्स के लिए स्पेस है, और यहाँ पे आप अपने जिम बैग्स वगैरह रख सकते हैं। और एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको SS की बेंच यहाँ पे मिल जाएगी, यूरिनल्स इधर है, और ऐसा मिरर आप अपने जिम में जरूर लगाएं। मिरर लगाने से ना वॉशरूम्स की एक अलग वाइब आती है, वॉशरूम स्पेशियस लगता है, और क्लाइंट्स को ना पूरी अपनी ड्रेसिंग जो है बहुत अच्छी फील होती है, पता लगता है उनको कैसी लुक आ रही है, क्योंकि कई क्लाइंट्स जिम से तैयार होकर अपने ऑफिस जाते हैं। यहाँ पे हमारे WC हैं, शॉवर्स हैं, और इधर स्टीम रूम है, और यहाँ पे 2 वॉश बेसन्स हैं, और दिस इज हाउ, ये हमारा एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। जितनी भी हमारी प्रो अल्टीमेट जिम्स की ब्रांचेस खुलती है हम ये सारा सिस्टम हर ब्रांच में इंट्रोड्यूस करते हैं। और आप देख सकते हैं टाइल्स की डार्क ग्रे थीम है, फ्लोरिंग लाइट ग्रे कलर की है, सारा मैट फिनिश में है, और ऊपर हमने डार्क पेंट करा हुआ है, और यहाँ पे फोकस लाइट्स लगाई हुई है। इससे ऑल एंड ऑल वॉशरूम्स की बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको इस जिम का स्टूडियो दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो अब मैं एंटर करने वाला हूँ जिम के डांस स्टूडियो में। आप देख सकते हैं टफ एंड का पार्टीशन है, और ऊपर लिखा हुआ है स्टूडियो की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाएगी एक्रेलिक लेटर्स में। तो एज आई एंटर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रैक दिख जाएगा आपको, जो कि हमारे हर जिम में होता है स्टेनलेस स्टील का रैक, जिसमें आप टॉप पर अपनी एसेसरीज प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे अपने जिम मैट्स प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वुडन फ्लोरिंग हो रखी है, और मिरर्स लगे हुए हैं एक वॉल पर, और मिरर्स की हाइट हम अब 8 फीट इंट्रोड्यूस करते हैं। 8 फीट हाइट रखने से क्या होता है आपके जिम बहुत अच्छा लगता है, इंटीरियर भी डबल डबल दिखते हैं, और जिम की वाइब अलग आती है, और स्पेशियस भी जिम बहुत लगता है। और ये हमारा एक आइकॉनिक पोस्टर जो कि कस्टमाइज करते हैं हम हर जिम के अकॉर्डिंग, और एक डांस स्टूडियो में बहुत इलेक्ट्रीफाइंग वाइब देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कार्डियो सेक्शन में एरो थीम्स थी, वही लाइटिंग की थीम एरो थीम स्टूडियो में भी आ रही है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ इस जिम के जो ओनर है मिस्टर हार्दिक। कैसे सर, क्या हाल है? बढ़िया, मुबारक है बहुत बहुत फॉर द वंडरफुल ब्रांच ऑफ प्रो अल्टीमेट जिम्स। आपकी वजह से ही हुआ है ये चीज। नहीं, आपकी मेहनत है, मैं तो हर एक के साथ हूँ, हर एक को मैं गाइड करने के लिए हूँ, हर एक को मोटिवेट करता हूँ, बट 10 में से 1 या 2 लोग ही उस मुकाम पे पहुँच पाते हैं जो दिल से मेहनत करते हैं, और हार्दिक उनमें से एक है। तो हार्दिक कैसा चल रहा है जिम? बहुत बढ़िया सर, जितना सोचा नहीं था उससे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो एक चीज आपने जरूर नोटिस करनी है, जितने भी प्रो अल्टीमेट जिम्स के ओनर होते हैं, और मैं वीडियो ऐसा नहीं है कि मैं जिम खुलता है और अगले दिन वीडियो बना लेता हूँ, मैं 3 से 4 महीने बाद वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि 3 से 4 महीने में जो भी ओनर होते हैं ना उनको जिम का एक्चुअल रिस्पॉन्स पता लग जाता है। सब बहुत मोटिवेट होते हैं, और सबका फीडबैक यही होता है कि जितना सोचा था उससे बेटर ही हुआ है। तो हार्दिक मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए यार, इसने हमारे जिम में बहुत मेहनत करी, 2 साल जॉब करी है, और पहले ये इसने शुरुआत करी थी एज अ पर्सनल ट्रेनर, उसके बाद ये जिम के फ्लोर मैनेजर बने, और पूरी ब्रांच मैनेज इन्होंने
करी वहाँ पे और इतनी डेडिकेशन से 2 साल काम करा और उसके बाद फिर मेरा इनसे डिस्कशन हुआ। मैंने कहा कि हार्दिक अब आप तैयार हो, आपको एक नया जिम प्लान करना चाहिए और इसका दिल था कि चंडीगढ़ में मैं जिम खोलूं, बट चंडीगढ़ मोहाली में आपको पता है कि सारी ब्रांचेस हमारी ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं क्योंकि वहाँ पे जो पुराने जिम ओनर्स हैं उन्होंने सब जगह जिम ओपन्स ऑलरेडी कर ली हैं, तो वहाँ लोकेशन हमारे पास नहीं थी। बट फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी, चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर, क्योंकि जब भी आप पंजाब से हरियाणा एंटर होंगे तो सबसे पहला शहर आता है अम्बाला, तो इसने अम्बाला में प्लान करा। तो हार्दिक थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताओ। हमें लोकेशन में काफी चैलेंजेस आए, कभी कोई, फिर यहाँ पे भी काफी फाइनल करने में भी काफी टाइम लग गया हमें। मैं अम्बाला में मैंने हार्दिक के साथ 3 या 4 राउंड लगाए, हमने बहुत सर्वे करा, बहुत सारी लोकेशन देखी, बट जो हमने चूज करी वो यहाँ की सबसे बेस्ट लोकेशन, इससे बेस्ट कोई लोकेशन नहीं है रिलायंस सुपर स्टोर के ऊपर, और ये सबसे बेस्ट कह लो हार्ट ऑफ द सिटी है जहाँ पे प्रो अल्टीमेट जिम आया है। और एज कम्पेयर टू अदर लोकेशन इसका रेंट भी सबसे ज्यादा था, बट फिर भी इसने हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया, क्योंकि इसने 2 साल हमारे साथ काम करके एक्सपीरियंस ले लिया था, तो इसको पता था कि प्रो अल्टीमेट जिम जहां भी खुलता है वहां रिस्पांस की कोई कमी नहीं रहती, बस हमने अपनी मैनेजमेंट अच्छी रखनी है, पूरे ओवरऑल जिम का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रखना है। हार्दिक के बारे में एक और चीज मैं आपको बताता हूं, हार्दिक एक पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग चैंपियन भी है, इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स जीत चुका है, मतलब ये बहुत हार्ड वर्किंग लड़का है। तो हार्दिक अपने बारे में बताओ, आपने कहाँ कहाँ कौन कौन से मेडल्स जीते हैं? सर मैंने 2021 में पहला गेम खेला था, मेडल्स तो बहुत जीते हैं, इतने भी कॉम्पिटिशन खेले सारों में गोल्ड मेडल है, सिल्वर भी आज तक नहीं आया मेरा, कभी सिल्वर भी नहीं आया, कभी सिल्वर नहीं। देख लो कितना तगड़ा है, आपको इसकी ना बिल्ट देख के पता लग जाता है। और कितनी आपकी मैक्सिमम लिफ्ट कितनी है वो बताओ? 310 kg डेडलिफ्ट, 230 kg स्क्वाट और 150 kg बेंच प्रेस। इतनी ताकत आती कहाँ से है, मतलब कैसे आपने किसी इंटरनेशनल कोच से कोचिंग लिया है या कैसे कहाँ से? मेरे कोचेस इंडिया के ही हैं, अच्छे कोचेस हैं, उनसे ट्रेनिंग रेगुलर चल रही है, मतलब 2021 से रेगुलर ऑनलाइन मैं अभी तक पे कर रहा हूँ और मैं अभी तक ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ये नहीं होता भाई जितना मर्जी आगे भाई हमें पैसे नहीं देने या कुछ नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं है बिल्कुल, तो हमें अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कुछ ना कुछ कोर्सेज या ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो हार्दिक थोड़ा सा अपनी जॉब की जर्नी बताओ, आपने 2 साल प्रो अल्टीमेट में काम करा है, तो वो जर्नी कैसे रही, क्या क्या आपने सीखा उसमें? मैंने अदर ट्रेनर ज्वाइन किया था, 4 से 5 महीने काम किया था, उसके बीच में मैंने अपना कोर्स स्टार्ट किया था अल्टीमेट जिम सॉल्यूशन से, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन, तो जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी नॉलेज मिली और मैंने वो नॉलेज फ्लोर पे अप्लाई की, जिससे मेरी परफॉर्मेंस एनहेंस हुई और मेरे को फ्लोर मैनेजर में प्रमोट कर दिया विद इन 5 मंथ्स। राइट, फिर फ्लोर मैनेजर की जॉब मैंने 1.5 साल की, उसके बीच में मैंने जिम प्लानिंग मैनेजमेंट कोर्स किया, जिसकी वजह से आज मैं अपने जिम में खड़ा हूँ और जिम काफ़ी अच्छा भी चल रहा है। वेरी नाइस, तो आप देख सकते हैं गाइज ये जब जॉब भी कर रहा था ना तब भी इसकी परफॉर्मेंस नंबर 1 थी, इसके जो पर्सनल ट्रेनिंग के फिगर्स थे हमेशा सबसे हाई होते थे और इसके क्लाइंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जिम में सबसे ज्यादा इस बेस्ट रिजल्ट्स थे, ये सारी मेहनत का रिजल्ट निकल कर आया। वैसे हार्दिक है यमुनानगर का रहने वाला और यमुनानगर भी यहाँ से कितनी दूर है? 50 किलोमीटर दूर यमुनानगर है और जल्द ही हो सकता है वहाँ भी प्लान करेगा ब्रांच। और हार्दिक थोड़ा ये बताओ कि इतना बड़ा जिम आपने खोला है ना, इसमें कोई पार्टनर आपके साथ है या अकेले आपने खोला और फंड्स कैसे मैनेज हुए? मैं बेसिकली मतलब चाचू और मैंने मैनेज किया है ये सब कुछ, तो पहले घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया था भाई इतना पैसा इस काम में लगाना है, पैसे डूब जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर भी चाचू ने मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने कहा नहीं तू कर मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, तो उनकी वजह से आज दूसरा भी प्लान कर रहे हैं, बाकी देखते हैं अब क्या। वेरी नाइस, मतलब अभी ये जिम खुले कितना टाइम हुआ है? 3 महीने हुए सर, ये 4th मंथ है। 3 महीने बाद इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि नया जिम में एक और प्लान करना है? बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रो अल्टीमेट जिम्स के जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर होते हैं 3 से 6 महीने में उन सबके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब वो एक नया जिम भी प्लान कर सकते हैं और उन्हें बहुत ग्रो करना है फिटनेस इंडस्ट्री में। तो हार्दिक थोड़ा मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ, आपका फैमिली बिजनेस किस चीज का है, मतलब फैमिली बैकग्राउंड में सब क्या लोग करते हैं प्रोफेशनली? मेरी फैमिली में मैं, भाई, मम्मा और दादाजी, भाई मर्चेंट नेवी में, वैसे इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं खुद खेती करता था। खेती करते थे? हाँ जी। एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है आपका सारा और यमुनानगर में ही है जमीनें वगैरह? हाँ जी सब कुछ वही है। और आपका घर गांव में है? गांव में, यमुनानगर के पास एक छोटा गांव है नाहरपुर। नाहरपुर गांव से हो आप यमुनानगर के पास? और मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं, यमुना के इस पार रहते हैं, मैं यमुना के इस पार रहता हूँ, इतना ही फर्क है। और हार्दिक एक बात बताओ, जब आपने जिम खोला तो पहले महीने कितने मेंबर्स हो चुके थे और 3 महीने बाद कितने मेंबर्स हो चुके हैं जिम? सर पहले महीने 270 मेंबर्स हो गए थे। वेरी नाइस यार, तालियां आप सब लोगों को अपने घर बैठ के बजानी चाहिए जो लोग इसकी वीडियो देख रहे हैं कि 270 मेंबर पहले महीने हो गए, सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट ऐसा है कि आप T20 मैच खेल रहे हो और पहले 6 ओवर में ही आपने ना 100 रन मार दिए, ये इतना बड़ा, और जब आप 6 ओवर में 100 रन बना दोगे तो मैच आपने जीतना ही जीतना है। और हम कितने मेंबर्स हो चुके हैं? 570 के करीब। 570, तो मैं ये कह सकता हूँ आज के टाइम में अम्बाला का ये सुपर हिट जिम हो चुका है, नंबर 1 जिम हो चुका है। और थोड़ा ये बताओ, जैसे आप
अपने शहर से बाहर आके आपने काम करा, तो यहाँ पे ट्रेनर्स ढूंढने में आपको क्या चैलेंज आया, स्टाफ ढूंढने में क्या चैलेंज आया? सर चैलेंज तो आया, बट प्रो अल्टीमेट की टीम हमें बैक एंड पे बहुत सपोर्ट करती है, हायरिंग में भी और इंटरव्यूज में भी, हर चीज में बेस्ट निकाल के देते हैं हमें भाई जो टैलेंटेड है, क्योंकि मैं अकेला था इस चीज में, तो मैं अकेला नहीं मैनेज कर रहा था, मैनेजमेंट में भी वो बहुत हेल्प करते हैं, ASMs आते हैं मतलब वीकली आते हैं, जो भी चैलेंजेस रहते हैं वो मैनेज करते हैं। तो गाइस ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, जैसे कि आपने हार्दिक से सुना कि हमारे एरिया सेल्स मैनेजर हर हफ्ते जिम विजिट करते हैं और गाइड करते हैं, बैकएंड टीम हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है मोहाली में, आप कभी विजिट करें अगर आप फ्रेंचाइजी प्लान कर रहे हैं, वहां आके आप देखेंगे कि हमारी टीम कितनी बड़ी है और सारे प्रोफेशनल डेडिकेटेड लोग हैं जिनको 20-20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है फिटनेस इंडस्ट्री में, और वो जब भी आप फ्रेंचाइजी लेते हैं ये सारी बैकएंड सपोर्ट आपको मिलती है एक एक प्रोसेस में। और प्रो अल्टीमेट ही आज एक ऐसा ब्रांड है जो कि प्रोसेस मैनेजमेंट में, जिसने जिम फिटनेस इंडस्ट्री में और स्पेशली जिम में एक प्रोफेशनलिज्म लेके आया है। आज जितने भी लोग फ्रेंचाइजी प्लान कर रहे हैं उनको एक्चुअल में पता लगता है कि एक प्रॉपर एक 5-स्टार कैटेगरी का जिम कैसे मैनेज करा जाता है और इस इंडस्ट्री में प्रोफेशनली काम कैसे करना है। और हार्दिक एक बात और बताओ, किसी ने आपको ऐसा भी बोला होगा यार तू प्रो अल्टीमेट की फ्रेंचाइजी क्यों ले रहा है, इतने पैसे क्यों खर्च रहा है, तेरा बहुत कम पैसे में जिम बन जाएगा, सर मेहनत तो तूने करनी है, अपने नाम से कर ले। बहुत बंदों ने बोला, बट मेरे को पता था, मैंने 2 साल काम किया प्रो अल्टीमेट के साथ, मेरे को पता था कहाँ फिगर्स हैं, हर जिम की सेल किसी की भी कम नहीं है, तो प्रो अल्टीमेट का मेरे को पता था भाई हाँ अगर मैंने इतना इन्वेस्ट किया तो मैं अच्छा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। और जितने लोगों ने 2 साल में फ्रेंचाइजी ली जब ये वर्क कर रहा था, इसने उनकी भी जर्नी देखी है, तो एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर इसके अंदर था कि प्रो अल्टीमेट के साथ ब्रांच खोल के कितना बेनिफिट है। तो हार्दिक मैं बहुत खुश हूँ यार आपके अचीवमेंट को, और मेरे को पूरा भरोसा है हार्दिक की स्टोरी देख के या इसके अचीवमेंट को देख के बहुत सारे यंग ट्रेनर मोटिवेट होंगे कि उन्होंने भी ऐसा एक अपना ड्रीम जिम बनाना है और हार्दिक की तरह ग्रो करना है। और मेरे को पूरी उम्मीद है, मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये है August 2024, और मेरा पूरा विश्वास है कि ये अगले 3 से 6 महीने में एक नई ब्रांच ओपन करेगा और इसने लोकेशन भी देखनी शुरू कर दी है और वो ब्रांच भी इसकी सक्सेसफुल होगी और 6 महीने बाद मैं ऐसी एक और वीडियो इसकी बना रहा हूँ और इंटरनेशनली भी बहुत ग्रो करने वाला है। बट आज ये ब्रांड अभी नया है, आपके पास मौका है, आप अपने शहर में लाके इस ब्रांड को इंडिया की एक सबसे सक्सेसफुल टीम का हिस्सा बन सकते हो, क्योंकि इस ब्रांड की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रेशो है, सबसे अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो आइए मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ प्रो अल्टीमेट जिम संबाला टीम से। हेलो, मेरा नाम हिमांशु है और मैं पिछले 5 साल से फिटनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। हेलो, मेरा नाम गौरव कालरा है और मेरे को इंडस्ट्री लाइन में बॉडी बिल्डिंग की 10 ईयर्स हो गए हैं और मैंने बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन की है, मैंने खुद भी कम्पीट किया है, मैं मिस्टर जगाधरी, मिस्टर यमुनानगर और मिस्टर हरियाणा में कम्पीट किया है और बहुत से अच्छे बच्चों को मैंने मिस्टर माला में भी खिलवाया है। हेलो सर, मेरा नाम खुशी है, मैंने रेड टेप 2 साल मैंने जॉब की है, सेल्स में ही की है, वो यहाँ पे भी मैं सेल पे हूँ, मेरे हार्दिक सर बहुत अच्छे हैं, यही बोल रहे हैं ये क्या बोलते हैं, हार्दिक सर बहुत अच्छे हैं। माइसेल्फ तमन्ना ठाकुर, बेसिकली मैंने होटल लाइन में जॉब किया है 5 or 6 months, करंटली मैं प्रो अल्टीमेट जिम्स में वर्क कर रही हूँ, यहाँ पर सारी टीम ट्रेनर्स ऑनर्स सारे अच्छे हैं, थैंक यू सर। मेरा नाम साहिल है एंड मैं एज अ फिटनेस ट्रेनर अम्बाला ब्रांच के साथ मई से जुड़ा हुआ हूँ। माई नेम इज़ राहुल, आई एम वर्किंग एज ए फ्लोर मैनेजर लास्ट 3 मंथ मैंने BCom कम्प्लीट किया था, उसके बाद जब मैं फिटनेस लाइन में आया था तो काफ़ी ने बोला था कि फिटनेस लाइन में कुछ नहीं रखा है, एज ए ट्रेनर मैंने जॉब करी last 4 years से हूँ मैं, लेकिन प्रो अल्टीमेट के साथ जुड़ के एक प्लेटफॉर्म मिला और ग्रोथ करने का, मतलब हर मीटिंग्स में इनके एक माइंडसेट मेरा एक गोल अचीव हो जाता है कि मतलब गोल लेके आता हूँ मैं अपने जिम में कि मुझे आगे क्या करना है, मतलब आप अगर ग्रोथ करना चाहते हैं इस लाइन के अंदर तो प्रो अल्टीमेट जिम्स के साथ जुड़ के आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। मेरा नाम शुभम मित्तल है, मैं K11 सर्टिफाइड हूँ, मेरी फर्स्ट जॉब है और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है, मुझे 7 से 8 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, इससे पहले मैं अम्बाला की काफी जिम्स में काम कर चुका हूँ। तो आज हमने आपका इंट्रोडक्शन कराया प्रो अल्टीमेट जिम्स अम्बाला की टीम से, आपने इनसे मिलकर देखा होगा कि इनकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, सबकी फिजिक बहुत अच्छी है, सबके पास बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और ये अम्बाला के पहले से ही नंबर 1 ट्रेनर रह चुके हैं। और जैसे ही हमारा ब्रांड आया इन सब ने प्रो अल्टीमेट को ज्वाइन करा और आज ये सब प्रो अल्टीमेट ब्रांड के साथ ग्रो करना चाहते हैं और इनका यहाँ के जो जिम ओनर है मिस्टर हार्दिक, इनके साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड है और इनको ओनर से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो दे ऑल आर एक्साइटेड टू वर्क एट प्रो अल्टीमेट। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसे ही हम लगातार मोटिवेशनल और नॉलेजेबल कॉन्टेंट आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में और अच्छी वीडियोज आने वाली हैं जो कि आप मिस नहीं करेंगे। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस विद हार्दिक, थैंक यू सो मच।